सो गाइज, आज फर्स्ट डे था मेरा सुबह 4 बजे उठने का। यहाँ पे मैं 4:15 के समथिंग उठ गई थी और मेरी जो डेस्क थी वो पूरी की पूरी मैसअप हो चुकी थी। तो आई डिसाइडेड कि पहले इसको अच्छे से क्लीन करते हैं, बट उससे पहले हम ये हर्बल टी जो बनाए थे अपने लिए वो पीते हैं, देन साफ करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं एंड मैं भी ठीक हूँ। सो AITS की प्रिपरेशन करनी है मेरे को और मैंने स्टार्ट भी कर दी थी जब वो टेस्ट पोस्टपोन हुआ था 30 नवंबर का। तो उसके बाद हम प्रिपेयर करने के लिए रेडी हो गए थे कि हाँ, अब टाइम काफ़ी ज़्यादा मिल गया है AITS के लिए, तो अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने सोचा है, आज तो थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, मैंने सोचा है कि 3:45 या 4 बजे के समथिंग डेली उठा करेंगे और बायोलॉजी को अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्योंकि मेरी ना बायोलॉजी वीक है। मतलब वीक का मतलब ये है कि जो हमारा टेस्ट में स्कोर आता है वो 300+ तो रहता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 350 रेगुलर बेसिस पे रहे, हर टेस्ट में आए। तो सुबह जो मेरा रिवीजन प्लान होगा वो होगा, या तो मैं शॉर्ट्स नोट्स रिवाइज करूँगी या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़िया तरीके से और बायोलॉजी। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा करते इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस फिजिकल केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स एंड बायोलॉजी, ये चीज़ें रिवाइज कर लिया करेंगे रेगुलर बेसिस पे। सो या बातें बहुत हो गई हैं, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं हम बायोलॉजी का चैप्टर रिवाइज करना, और आपको दिखाते भी हैं कि AITS का क्या सिलेबस है। ओके बाय। एंड ये रहा सिलेबस सारा का सारा। सबसे पहले इसमें NLM और वर्क पावर एनर्जी, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ब्रीथिंग एक्सचेंज, मॉर्फोलॉजी एंड बॉडी फ्लो। ठीक है, वैसे मैं इसमें से बहुत कुछ कुछ कर चुकी हूँ। NLM कर लिया है मैंने, वर्क पावर एनर्जी कर लिया है, बहुत बहुत कुछ कुछ कर लिया है, और अभी पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग भी चल रहा है साथ के साथ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस तो नहीं है, मतलब ठीक ठीक है, मतलब कि हाँ प्रिपेयर कर सकते हैं वो भी 10 दिन के अंदर। तो और मैंने सेकंड टेस्ट का भी पैरेलली लिख लिया है। ठीक है, तो हम आज सोचें कि आज बॉडी फ्लूड करते हैं, ब्रीथिंग तो नहीं करेंगे, तो आज स्टार्टिंग हम सुबह से बायोलॉजी से ही करेंगे। सो चलो बायोलॉजी का रिवीजन करते हैं, बॉडी फ्लूड वाला चैप्टर, एंड फिर देखते हैं क्या करना है। ओके, हेलो गाइज, तो मेरा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस ECG वाला पार्ट है वो बचा हुआ है, तो उसे हम लाइब्रेरी में कंप्लीट कर लेंगे। और आज की जो सुबह में मैंने इतना ही कर पाया है, बाकी अब नेक्स्ट बार जब भी उठेंगे तो ज़्यादा ट्राई करने का करेंगे कि हाँ जितना हो सकता उतना मैक्सिमम रिवीजन हो जाए और उतने चैप्टर हो जाए। मतलब मैंने ये सोच रखा है कि अगली बार से 4 बजे डेली उठेंगे, ठीक है, जिससे और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। वैसे मैं पूरा ट्राई करूँगी कि आप लोगों को भी शो कर सकूँ कि मैं प्रॉपर 4 बजे उठ रही हूँ। और ये जो मतलब सुबह उठने का है वो मेरा मेन रीज़न ये है कि जब भी मैं सुबह उठ के बायोलॉजी को रिवाइज़ करती हूँ, याद करने वाला पोर्शन जो होता है बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है और लॉन्ग टर्म तक रहता है। दैट्स वाई मैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए 4 बजे का सोच रही हूँ कि हाँ भाई अब डेली उठेंगे, और शॉर्ट वीडियोज से आपको भी बताते रहेंगे कि हाँ क्या क्या किस तरीके से मैं उठ रही हूँ और कितना कितना कर रही हूँ। मैक्सिमम इतना रहेगा कि आधा चैप्टर इनिशियल टाइम में और फिर बाद में धीरे धीरे एक एक चैप्टर को पूरा पूरा रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक है, सो अभी 6:30 हो चुके हैं, सो अब मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी, फिर उसके बाद वहाँ पे जितना टारगेट है वो करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। ओके बाय। एंड लाइब्रेरी जाते ही मैंने अपना सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाया था, और आज का जो टारगेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, देखते हैं आज पूरे दिन में ये कंप्लीट हो पाता है या नहीं। तो मैं 4-4 लेक्चर दोनों चैप्टर के कर चुकी हूँ, वर्क पावर एनर्जी के एंड NLM के। ठीक है, तो इन्हीं 4 लेक्चरों के मुझे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने थे। Lecture 5 लेक्चर से इसका भी मुझे 2 लेक्चर अटेंड करने हैं, और सेम मुझे NLM का भी करना है। ठीक है, बॉडी फ्लूड का बंसॉट देखना है रितु मैम से, और फिर उसके बाद उसी की NCERT करनी है। केमिकल बॉन्डिंग Lecture 6 तक अच्छे से पढ़ना है, फिर जो हो चुका है जितना उसे NCERT से करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने ELP 1st 2nd दोनों में लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रिपेयर करने जा रही हूँ वर्क पावर एनर्जी के शॉर्ट नोट्स, और फिर उसके बाद फाइनली मेरे ये कम्प्लीट हो चुके थे, तो फिर आई डिसाइडेड कि
एनएलएम के बनाते हैं, तो फिर वो भी मेरे कंप्लीट हो गए थे। मैंने दोनों चैप्टर के अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिए एंड अभी जा रही हूँ ये लेक्चर नंबर 5 है ना, इसको कंप्लीट करने के लिए। तो इस नोटबुक को कर देते हैं बंद, निकालते हैं हम। चलो बंद करते टाइम क्या मिला, डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड। ओके, तो यहाँ पे मैं एनएलएम का लेक्चर देखने जा रही हूँ, लेक्चर नंबर 5। और मैं सिर्फ नोटबुक में ही प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि मेरे नोट्स ऑलरेडी बने हुए थे, तो ऐसे मुझे कोई वो नहीं है कि हाँ मेरे को नोट्स वोट्स का हेडक हो कि मुझे बनाना है। एंड फाइनली वी डिड इट, आई डिड इट अपकॉर्स। और फिर उसके बाद लेक्चर 5 हो गया था, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे अब मैं करने जा रही हूँ लेक्चर नंबर 6, ठीक है। और बाकी मैंने इसी में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, तो अब लेक्चर नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे। इट्स ऑल्सो डन एंड बट बीच में भूख लग गई थी तो हम लेक्चर को वहीं छोड़ दिए थे। और फिर उसके बाद हम खाना पीना खा के फिर स्टार्ट किए दोबारा से बर्क पावर एनर्जी का, और उसी का लेक्चर नंबर 6 एंड 7। सो या अब इसे कंप्लीट मैंने कर लिया था, ऑफ स्क्रीन किया था मैंने, ठीक है। तो अब चलो देख लेते हैं कितना कितना हमारा टारगेट हो चुका है। हमारे यहाँ पे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो गए हैं दोनों चैप्टर के, वर्क पावर एनर्जी के, एनएलएम के, और दोनों लेक्चर हो गए हैं वर्क पावर एनर्जी और एनएलएम के, ठीक है। और एक ईएलपी भी मैंने सॉल्व कर ली थी एनएलएम की, इसमें 16 क्वेश्चन थे, ठीक है। और अगर आपको भी ज्वाइन करना है ना तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अरे भाई, अगर आपको भी ईएलपी सॉल्व करना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने रितु मैम का वन शॉट लगाया, और मैं अक्सर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना वहाँ से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि जो शुरू का पोर्शन है वो मेरे को अच्छा आता है, मतलब अच्छे से आता है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो आप इसको अच्छे से ये वाले पोर्शन को, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं और इसके एक तरीके से नोट्स, शॉर्ट नोट्स टाइप का भी प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक वन सीट ले ली है, पेपर सीट ले ली है, क्या बोल रही हूँ भाई, ठीक है। तो चलो आप इसे कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। एंड ये भी कंप्लीट हो चुका है और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक सीट ले ली थी, तो उसी में मैंने अच्छे से बना लिया था जो भी है, ठीक है। फिर हम सोचे कि ऐसा करते हैं, अब इसकी एनसीईआरटी भी रह गई है तो इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे टारगेट कंप्लीट हो गए थे और कुछ रह गए थे, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रह गई थी और ईएलपी रह गई थी, तो हम सोचे इसको तो भाई घर पे कर लेंगे। और फिर और हम लोग जा रहे थे आज एक उसमें क्या बोलते हैं खाना वगैरह खाने, दावत थी आज हमारी और हम बस लाइब्रेरी से आए, जस्ट खाने ही चले गए, ज़्यादा कुछ किए नहीं थे, मतलब तैयार वैयार अच्छे से नहीं हुए थे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग अच्छे से पहले जो भी होता है मेन कोर्स वो खाए, फिर उसके बाद कस्टर्ड और रसगुल्ला, रस मलाई, और फिर उसके बाद हमने सोचा कि ये डोसा टाइप कुछ कुछ था, चटनी दिए थे उसमें, सांभर और वो नहीं दिए थे, और बहुत अच्छी दावत थी, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। मैंने वैसे भी 2-3 साल बाद खाई है पहली बार, ठीक है। सो चलो अब आपसे बाद में मिलते हैं। तो आज आपको जवाब देने वाली हूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ या नहीं, ठीक है। तो मैंने ना 2022 में अपना चैनल क्रिएट किया था और मैं इस पर सिर्फ शॉर्ट वीडियो डालती थी, मैंने 300-400 शॉर्ट वीडियो डाल के 1000 सब्सक्राइबर कर ली, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मुझे बस कुछ भी करके 1000 सब्सक्राइबर चाहिए ही चाहिए, मुझे नहीं पता था इसमें क्या प्रोसीजर होता है क्या नहीं। तो मेरे विद इन 2 और 3 मंथ में मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे शॉर्ट वीडियो से, क्योंकि मैं उसमें PYQ वगैरह डालती थी, तो ऐसा इतना कोई वो नहीं रहता है कि वीडियो वायरल नहीं हो जाएगी, धीरे धीरे करके मेरे विद इन 1 वीक में मेरे हो गए थे अच्छे खासे व्यू, 1000-1000 होते रह रहे थे। तो फिर मैं सिर्फ शॉर्ट वीडियो डाल रही थी 2022 में, बस ऐसे ही रैंडमली, मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर 2023 में मैंने एक ऐसी वीडियो डाली जो ना 1.2K चली गई और मेरे को यहीं पर किक लगी कि मेरे को डालनी चाहिए। फिर 2023 से मैंने स्टार्ट किया था
ब्यूरो वगैरह डालना, और मैं रेगुलर बेसिस पे ब्यूरो डालती रही, धीरे धीरे करके चैनल ग्रो होता गया। तो मेरे को ना यूट्यूब से तो कोई इनकम नहीं आता था, क्योंकि यूट्यूब का मैन कहना ये था कि जब आपके 4000 घंटे पूरे हो जाएंगे तभी आपको इनकम होंगी, बट स्पॉन्सर से मेरे को पैसा मिलने लग गया था। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि स्पॉन्सर से जो मुझे पैसा मिला था, मैं इतना ज़्यादा खुश हुई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि ट्यूशन बच्चे पढ़ाते हैं, ठीक है, वो पूरा पूरा महीने गुजार देते हैं ट्यूशन पढ़ाने में, अपना पूरा एक एक घंटा देते हैं, और उनको जो इनकम है 2000 मिलती है, और यहाँ पे मैं सिर्फ 2 वीडियो बनाऊँगी तो मेरे 2000 हो जाएंगे शॉर्ट वीडियो से। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार सीरियसली सोशल मीडिया तो काफ़ी ज़्यादा पैसा है, और अभी मेरे इतना भी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हुए, बट हाँ इतना है कि मैं अपने खुद के खर्चे उठा सकती हूँ अगर मैं रेगुलर बेसिस पर वीडियो डालूँ। बट मेरे को पढ़ना भी रहता है, तो इस वजह से मैं इतना ज़्यादा एक्टिव तो नहीं हूँ, बट हाँ यूट्यूब से तो कुछ नहीं कह सकते, बट स्पॉन्सर से जो पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है आप अपने खुद के खर्चे। और एक्टिव की मैंने जो बात बोली थी ना आपसे कि मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, जबकि मैं एक्टिव रहती हूँ, शॉर्ट वीडियो पर रह रही हूँ, और अभी मैं रिसेंटली लॉन्ग वीडियो पर भी रह रही थी, क्योंकि इसलिए रह रही। सो चलो आज थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं कि आप यूट्यूब से कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं इस चैनल पे मैंने देखा है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि कुछ स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, और तब जाके वो 8000 रुपये कमाते हैं पूरा महीना मेहनत कर करके, 8-8 घंटे दे रहे हैं अपने ट्यूशन में, स्कूल में। और यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने 2-4 वीडियो भी बना दी तो आपके 8000 फट से हो गए, ठीक है। ये यूट्यूब जो होता है वो सोर्स ऑफ इनकम तो बहुत ही ज़्यादा है, मैं किसी को वेट नहीं कर रही हूँ कि आप वीडियो डालो या आप वीडियो बनाओ, बट इतना कह रही हूँ कि अगर आपने अच्छा खासा ग्रो कर लिया है तो आपको स्पॉन्सर से काफ़ी अच्छी इनकम मिल जाएगा आपको। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे रहते हैं, सब कुछ रहता है, तो आप आराम से ऐसा कर सकते हैं कि हर महीने एक रियलमी का फ़ोन खरीद सकते हैं, ठीक है, अच्छे से, अगर आप रेगुलर बेसिस पे रह रहे हैं, और अगर आपके 5K के आसपास सब्सक्राइबर है, तो यू कैन अर्न अबाउट एक रियलमी का फ़ोन एवरी मंथ, ठीक है। और चलो अब आपको बता देते कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ या नहीं। तो ठीक है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, एंड वो भी मेरे बर्थडे से पहले ही हुआ था, 4 दिन पहले, 24 अक्टूबर को। और अभी मेरे डॉलर बनना भी स्टार्ट हो गए हैं, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि हाँ ठीक है, चलो हो चुका है मोनेटाइज। सो या चलो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये भी जानना है ना कि मैं किससे वीडियो एडिट करती हूँ, एंड किससे वीडियो को बनाती हूँ, एंड कौन सा ट्राइपॉड यूज़ करती हूँ, कौन सा थंबनेल के लिए क्या यूज़ करती हूँ, क्या क्या, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगी, ठीक है। चलो बाय।